बुरहानपुर जिले में एसपी देवेंद्र पाटीदार ने नकाबपोश चोरों की जानकारी देने पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि नेपा नगर के वृंदावन कॉलोनी में रौनक जैन सीमेंट व्यापारी के यहां 3 नवंबर को सुबह 3 से 4 बजे के बीच नकाबपोश चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही घर में लोगों के साथ मारपीट भी की थी, जिसे लेकर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने अपराधियों को जानकारी देने वालों को 10,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसपी के अनुसार आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी को लेकर इनाम की घोषणा की गई, जिससे कि इस मामले का खुलासा होगा। साथ ही पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच में जुटी है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। नेपा नगर में जो 3 तारीख को एक घटना हुई है और जो है घर में घुस के बदमाशों ने संपत्ति संबंधी अपराध किया, मारपीट, उन्हें डकैती का प्रकरण पंजीबद्ध किया है उसमें, और हम बहुत ही गंभीरता के साथ में कई टीमों के माध्यम से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साइबर के माध्यम से भी कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट को लेके भी हम लोग लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसको नेपा और आसपास सारी दूर हम तलाश कर रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमें इस तरह के मॉडल्स ऑफ एंड पे वर्क कर रही है, क्योंकि ये बहुत सघन और काफ़ी बड़ा टीम वर्क है, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, जल्दी सफलता मिलेगी। और इसमें कोई भी सूचना देता है हमको इस डकैती की घटना के लिए, उसके लिए हमने 10,000 का इनाम की घोषणा की है, जिससे कि इस जो बड़ी घटना है इसको हम जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कर सकते हैं।